मेरे साथ है उमर अकमल और इनमें माशाल्लाह बहुत सारा टैलेंट है। और नया हेयर स्टाइल उमर, क्या बाल कहाँ गए? देखें, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि PSL शुरू होने से पहले मुझे अल्लाह ताला ने अपने घर बुलाया। उमरे से आया हूँ मैं अभी, और इसमें मैं स्पेशली थैंक्स करता हूँ अपनी मैनेजमेंट का। जो एक टीम प्लान था, उनसे मैंने परमिशन मांगी आफ्टर ऑस्ट्रेलिया टूर, तो उन्होंने मुझे 5 दिन की परमिशन दी। तो बस अभी उमरे से आया हूँ, इंशाल्लाह स्टार्ट, इंशाल्लाह आज पहला मैच है, पूरा फोकस है। जिस तरह के मैंने आगे 2 सेशन अटेंड किए हैं, नया कैप्टन है, मैनेजमेंट नहीं है, तो उन्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया है। अच्छा, कितना प्रेशर है PSL वर्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट का? देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट तो आपको पता, ऑब्वियसली आपने हमसे ज़्यादा खेली हुई है, इंटरनेशनल क्रिकेट का तो प्रेशर होता ही है। लेकिन लीग्स क्रिकेट में ये है कि आप थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स रहते हैं और इन्जॉय करते हैं अपनी क्रिकेट को, तो ये है कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ईजी है अगर, लेकिन हम क्रिकेट को ईजी नहीं लेते। अगर नॉर्मली आप क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं तो आप उसको भी ईजी ना लें, क्योंकि क्रिकेट आपका पैशन है, तो इसलिए मैं इसको ईजी कहीं भी नहीं लेता। क्या चीज़ अच्छी करने चाहेंगे उमर आप अपने करियर के साथ, अपनी परफॉर्मेंस के साथ PSL में खास तौर पे? PSL में यही है रमीज़ भाई, जैसे लास्ट टाइम मैंने बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ था, और अल्लाह का शुक्र है इस बार भी पूरी कंसंट्रेशन से आया हूँ, हार्ड वर्क करके आया हूँ कि मैं इस साल फिर पाकिस्तान सुपर लीग का बेस्ट बैट्समैन बनूँ। मेरे लिए ऑनर की बात है, जिस तरह की ट्रॉफी मैंने सुनी है, अगर वो किसी पाकिस्तानी के पास है तो वो ज़्यादा खुशी है, किसी फॉरेनर प्लेयर के भी पास है तो वो भी ज़्यादा खुशी है। लेकिन उम्मीद ये कि इंशाल्लाह जिस तरह का हार्ड वर्क कर गया हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे फिर एक दफ़ा फिर इस अवार्ड से नवाजेंगे। आपको उम्रे की बहुत बहुत मुबारक और SBL PSL में खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच रमीज़ भाई। थैंक यू।